90% क्वेश्चन कॉम्बिनेशन पर ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर आई हैड डन ग्रेजुएशन ऑफ बीएससी मेडिकल, है ना, सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये अच्छी बात है कि आपने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इलेक्टिव इंग्लिश, इलेक्टिव इंग्लिश कैसे मिल गई आपको, आप पंजाब में पढ़े हुए हो, चलो मिल गई, हाँ लेकिन वन ईयर के लिए है ना इंग्लिश, ये इलेक्टिव नहीं, मेरे ख्याल जनरल होगी, जनरल पंजाबी है। तो आपका जो फोकस जॉब के लिए आपने अगर एलिजिबल बनना है, पहले क्वेश्चन देख लो आपका क्या है, आफ्टर दैट आई हैड डन मास्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑनर्स, आपका केमिस्ट्री मेन बन गया, ठीक है। आई एम कंफ्यूज बिटवीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आइदर साइंस एंड फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस, विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर गवर्नमेंट जॉब, आई वॉन्ट टू बिकम पीजीटी। यार क्या नाम है आपका, मोनिका ठाकुर जी, बहुत वेरी गुड, आपके पास स्किल है, आशीर्वाद आपके पास स्किल है कि हाउ टू आस्क द क्वेश्चन। देखिए इन्होंने कितना स्पेसिफाई किया है, जो मैंने ये पढ़े हैं जी, ये मैंने इलेक्टिव वन ईयर का पढ़ा है, देखिए मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया है ना, पंजाबी मैंने कंपलसरी पढ़ी है और ये ऐसे बनना है, ये स्किल भी सीख लो, है ना। तो आपको देखो क्लियर आंसर मिल रहा है, देखो जी मैंने मास्टर केमिस्ट्री में ऑनर में की हुई है, वेरी गुड वेरी गुड। और कंफ्यूज बिटवीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये और देखिए अब इनको गाइड करना है मैं कैसे निकालूंगा, सबसे मैंने निकाला कि यार ये ऑनर की हुई है, इट मीन स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी केमिस्ट्री की तरफ जा रही है, केमिस्ट्री के साथ फिजिकल साइंस मिलती है, फिजिकल साइंस क्योंकि इन्होंने बॉटनी और जूलॉजी ये दूसरे भी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, तो इनको कोई कॉलेज, ये कौन सा कॉलेज देता है ये नहीं अभी पता, अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है, तो इनको साइंस साइंस इन दो की तरफ से साइंस साइंस ले लेना चाहिए, ये दो इनकी बेस पर साइंस लेना चाहिए, और क्योंकि ये केमिस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं, ये लिखा है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो गोल है ना ऐसे सेट कर लो भाई, ऐसे सेट कर लो, बड़ा तारीफ करने को जी की जगह इनका, तो ये गोल हो गया मेरे लिए, सब कुछ आसान हो गया, ये पीजीटी बनना चाहते हैं, पीजीटी बनने के लिए आपको केमिस्ट्री के लिए फिजिकल साइंस लेना ही पड़ेगा, तो फिजिकल साइंस आप पक्का कर लीजिए, और साइंस इसलिए पक्का कर लीजिए क्योंकि टीजीटी की जॉब्स ज्यादा इसमें निकलती है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट जॉब, ये भी इन्होंने लिखा है, ये देखिए क्या बात है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है साइंस फिजिकल साइंस, कंफ्यूजन रही नहीं मुझे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, आप लाइफ साइंस की तरफ क्यों जाना चाहते हो और फिजिकल साइंस की, ये नहीं, हाँ अगर आप ये चाहते हो कि मैंने टीजीटी बनना ही नहीं है, मैंने भी मैंने तो पीजीटी ही रहना है ना, तो फिर आप लाइफ साइंस का सोच सकते हो, दैट सेकंड ऑप्शन। अगर आप जॉब अवेलेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो, जॉब 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 अवेलेबिलिटी, तो आपको साइंस ही लेना चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है कि जॉब अवेलेबिलिटी की मुझे रखनी चाहिए, यस मैं मेरे अगर काउंसलिंग काउंसलर डायरेक्टर काउंसलिंग होती है ना, उसमें मैं आपको सुजेस्ट कर रहा हूं साइंस एंड फिजिकल साइंस। अगर आप दीवाने हैं पीजीटी और लाइफ साइंस के सेकंड नंबर पर, हाँ तो आप उधर जाइए, अदरवाइज मेरी तरफ से आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन साइंस एंड फिजिकल साइंस बन गया। मेरे ख्याल इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा कि थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी सर। व्हाट अबाउट बीए हिंदी ऑनर्स, उसकी वीडियो भी अभी आ रही है, आप देख लीजिए, हिंदी वालों के लिए ना, जो सभी लैंग्वेज वाले हैं, उसकी वीडियो नीचे लिंक दिया गया, वो भी देख लीजिए अगर आप चाहते हो तो। आपने हिंदी में ऑनर की है, आपका हिंदी मेजर सब्जेक्ट बन गया है ना, और उसमें अब आपके डीएमसी देखने पड़ेंगे, डीएमसी है ना, तो मुझे नहीं पता आपने साथ में और कोई लैंग्वेज या कोई और सब्जेक्ट साथ में पढ़ा है, एक साल मान लीजिए आपने जनरल पंजाबी पढ़ा है, तो आपका हिंदी और पंजाबी कॉम्बिनेशन बनेगा, बहुत ही कम कॉलेज हैं जिनके पास लैंग्वेज लैंग्वेज कॉम्बिनेशन है। और दूसरा आपका अगर जनरल इंग्लिश आपने पढ़ी हुई है ना, तो ये देख लीजिए, पर आप एलिजिबल सिर्फ हो रहे हो हिंदी के लिए, बाद में आपको जनरल पंजाबी जनरल इंग्लिश जो भी आप लेते हो वो आपको हर हालत में उसका एडिशनल देना होगा ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में 3 साल का, ठीक है, अगर इंग्लिश करते हो वो, अगर पंजाबी करते हो वो, तो फिर आप क्योंकि आपने पैडागोजी यहां पढ़ लिया मान लीजिए इंग्लिश का किया, तो इंग्लिश के लिए आप एलिजिबल होगा। इसके अलावा आप और बढ़ना चाहते हो, आप ग्रेजुएशन में सोशल साइंस के दो, जैसे सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, अब हिस्ट्री नहीं छोड़ूंगा ना मैं,
यही तो गाइडेंस है, क्योंकि हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर चाहिए आप जब केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई सेंटर की जॉब जो होती है, तो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल होता है वो नहीं होती जल्दी, तो दैट इज वाई आपको हिस्ट्री और दूसरा कोई भी साथ में चूज कर लेना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस बन रही है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। अभी आपका हिंदी और ये लैंग्वेज में से बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। सर मैं बीए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस फिजिकल एजुकेशन की है। ये क्या क्या कर लिया आपने? हिस्ट्री, वेरी गुड। हिस्ट्री वाले भाई बहुत, हिस्ट्री वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई, जब वो उनके लिए ये मिल गया कि, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट हिस्ट्री वाले ना डिस्करेज थे, हाय मेरा सब्जेक्ट कोई कोई अच्छा नहीं मानता हूँ, भैया ऐसे नहीं सोचना। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, दोनों सोशल साइंस हो गई, आपका एसएसटी बन गया, एसएससी बन गया। फिजिकल एजुकेशन, जनरल इंग्लिश, जनरल पंजाबी, इनको प्रेफर मत कीजिए, इसके लिए बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए एडिशनल करना पड़ेगा, है ना। आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, एसएसटी फिजिकल एजुकेशन अगर अवेलेबल मिलता है तो, अब कॉलेज कौन सा देता है ये प्रॉब्लम होगी, तो आप प्रेफर इसको कीजिए एसएसटी। दूसरा एमए हिस्ट्री की थी ये कहते हैं, तो एमए हिस्ट्री की है, तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपने जॉब अवेलेबिलिटी को गवर्नमेंट को प्रेफर करना है या अपने सब्जेक्ट के शौक को। अगर हिस्ट्री के शौक को आप प्रेफर कर रहे हो, यार मैं तो प्लस वन टू में हिस्ट्री ही पढ़ाऊंगा, बेशक जॉब ना मिले, बेशक लेट मिले, तो आप हिस्ट्री की तरफ जा सकते हो, पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा एसएसटी ही दीजिए, बाद में एडिशनल दे दीजिए, पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री दे दीजिए बाद में, है ना, क्योंकि हिस्ट्री एमए आपके पास है। अगर आपके पास एसएसटी भी कर लेते हो, एमए हिस्ट्री है, तो भी आपको उसी स्ट्रीम की, है ना, एसएसटी स्ट्रीम की आपको फायदा होगा ही, तो दैट इज वाई आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है एसएसटी। दूसरा फिजिकल एजुकेशन, दूसरा बन रहा है आपका हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन, फिर बन रहा है तीसरा आपका एसएसटी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज कोई भी आप चूज कर लीजिए, इनमें से आप बेस्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हो। कॉलेज क्योंकि आपको देखना पड़ेगा। सत श्री अकाल सर, सर मैं बीए पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन, ये क्या क्या कर लिया, अच्छा किया आपने हिस्ट्री पढ़ ली, और ये बन गए आपके सोशल साइंस एसएसटी, और ये फिजिकल एजुकेशन, अभी इसकी बात करके आया हूँ। तो एसएसटी और फिजिकल एजुकेशन प्रेफर कीजिए, सब्जेक्ट है ते मास्टर म्यूजिक विच कीती हुई है, ये क्या कर डाला आपने। तो म्यूजिक में मास्टर की है, तो ये आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में ज्यादा है या एसएसटी में ज्यादा है। आप टीचर किसके बनना चाहते हो, म्यूजिक के ज्यादा चाहते हो। नंबर तीन, आप जॉब को प्रेफर करना चाहते हो, तो म्यूजिक की कम जॉब होती है, एसएससी की ज्यादा जॉब होती है, है ना, आप मार्क्स भी देख सकते हो। दैट इज वाई आपकी बेस्ट कॉम्बिनेशन एसएससी फिजिकल एजुकेशन है। एसएससी के साथ म्यूजिक अगर मिलता है साथ में आपको कहीं, अभी मैं देखता हूँ, यहाँ आप देख लीजिए, एसएससी के साथ कोई भी म्यूजिक का नहीं मिल रहा मुझे, कोई भी म्यूजिक का अगर मिलता है कोई कॉलेज में अवेलेबल है तभी आप उधर जाइए, अदरवाइज मेरे ख्याल में नहीं अवेलेबल कोई भी। ठीक, वापस चलते हैं। सर मस्ट रिप्लाई, मैं ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस, ये हो गया पॉलिटिकल साइंस, ये होम साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये तीन पढ़े हैं, इंग्लिश एंड बेसिक पंजाबी पढ़ी है। सर मेरा एसएसटी बन गया या नहीं? पॉलिटिकल साइंस होम साइंस नहीं बना जी आपका। दूसरी बात, अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो, जहां पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कॉलेज में लेना चाहते हो, गुरु नानक जी एंड बी यू में आपका नहीं है बन रहा है एसएसटी, और अगर पॉलिटिकल साइंस है तो आपको पीयूपी में हो तो आप एसएसटी ले सकते हो, पर ये लेने के बाद आपकी बीएड तो एसएसटी में हो गई लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो, आपको एक एसएसटी, एक सोशल साइंस का एडिशनल इन ग्रेजुएशन देना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी हो, तो भी आपको एसएसटी मिल जाएगा। अब ये इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी, दैट इज वाई आपने इतना पूछा था कि मेरा एसएसटी बन गया या नहीं। गुरु नानक में नहीं बना लेकिन यहां पर बन गया, लेकिन
आपको अब प्रेफरेंस देखनी होगी, आपका इंटरेस्ट किसमें है। अगर एसएससी में है, जॉब अवेलेबिलिटी की तरफ जाना है, आपको एडिशनल पेपर हर हालत में देना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं बीएड करते सारी किसी ना किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाऊं, तो आप टीचिंग ऑफ होम साइंस चुन सकते हो। ठीक, इसके साथ होम साइंस के साथ कंप्यूटर अगर मिलता है, ये कॉम्बिनेशन अगर मिलता है, ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, अगर अवेलेबल है किसी कॉलेज में तभी, नहीं तो होम साइंस के साथ आप लैंग्वेज को ले सकते हो। ठीक, फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ इंग्लिश या कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ पंजाबी ले सकते हो। मैं होम साइंस मैंने इसलिए पहले नंबर पर रखा कंप्यूटर से, क्योंकि इनके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए बिना बीएड के वाले भी आपके रेस में होंगे। तो पॉलिटिकल को मैंने क्यों नहीं रखा, पीछे क्यों रखा, क्योंकि पॉलिटिकल में आप डायरेक्ट पीजीटी बनोगे, और जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस नहीं कर लेते आपके एलिजिबल नहीं हो। अगर आप होम साइंस करते हो तो नेचुरली आपके पास होम साइंस 3 साल पढ़ी भी है और आपने पैडागोजी भी कर ली, आप एलिजिबल हो गए। कंप्यूटर साइंस पढ़ा भी है 3 साल और पैडागोजी कर ली, आप एलिजिबल हो गए। इंग्लिश के लिए भी एडिशनल करना पड़ेगा, पंजाबी के लिए भी, और पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको एमए करनी पड़ेगी। ये बात समझ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस आई एम सजेस्टिंग टू टेक अप होम साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन on the if you want to get a job, government job. Okay, sir, master of graduation course ho gaya. Sir, main economics, math aur computer padha hai, bahut achhi baat hai, aap padhe ho, mujhe to padhna hi nahi aaya. Economics hai ji, very good. Maths hai, very good. Computer hai, best. Please reply. Aapka best combination bana hai math economics, math computer. कंप्यूटर के लिए बीएड वाले जो है, बिना बीएड वाले भी अभी तक रेस में होते हैं, दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स सजेस्ट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का फायदा तब होगा अगर आप पीजी कर लोगे इकोनॉमिक्स की, दूसरे वाला कलर ले लो पीजी, तब फायदा होगा। मैथ्स का आपको फायदा वैसे ही है, दैट इज व्हाई मैथ आपकी नंबर वन प्रेफरेंस चाहिए। आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए, 3 साल आपने पढ़ा है, पैडागोजी में मिल गया, और इनकी आपको एक चूज करना है। अगर आप जाते ही एलिजिबल बनना चाहते हो तो मैथ कंप्यूटर आप फर्स्ट रखिए, आप फिर फर्स्ट ये बनेगा। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मैं कंप्यूटर की रेस में बहुत ज्यादा मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं दूसरा टीचर बनना चाहता हूं जिसमें सिर्फ बीएड वाले हों, तो आप इकोनॉमिक्स को प्रेफर कीजिए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में जरूर कर लीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। नेक्स्ट है सर, प्लीज रिप्लाई कर देना। जी करूंगा जी। सर मैं बीएससी नॉन मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। वाह, इतना कुछ पढ़ लिया, वेरी गुड। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत अच्छा जी आपका। मैथ्स है ठीक है, मैं एमएससी मैथमेटिक्स की थी। अब ये देखिए, ये बता दिया इन्होंने, मैथ्स को मत छोड़िए, मैथ्स आप पहला मेजर सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, फर्स्ट मेजर हो गया, और ये आपका साइंस बन रहा है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका, बहुत अच्छा। मैथ साइंस को मत छोड़िए, आपका मैथ भी कवर हो गया, स्कूल टीजीटी भी कवर हो गया है ना, और आपके 3 साल भी कवर हो गए, गवर्नमेंट जॉब भी कवर, सब कुछ कवर हो गया अभी आपका। मैं बीएड विच साइंस मैथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दी प्लेस ते मैं फिजिकल साइंस या मैथ चूज कर लवा ता कोई प्रॉब्लम ता नहीं क्रिएट होगी जॉब के टाइम पर, एसटेट और सीटेट टीजीटी पीजीटी, प्लीज रिप्लाई। यस, मैंने बता दिया, अगर आप लेते हो एक कौन सा, ये बोला इन्होंने फिजिकल साइंस और मैथ, मैथ आपका पक्का हो गया ना, इसकी तो नहीं करो, आपने इसका फिजिकल साइंस ले लिया, फिजिकल साइंस के लिए आपको अब केमिस्ट्री या फिजिक्स में, केमिस्ट्री या फिजिक्स में एमएससी करनी होगी, तब आप एलिजिबल होगे। दैट इज व्हाई आपका नुकसान होगा 2 साल का, 2 साल बाद आप इसके लिए एलिजिबल होगे। अगर एसएसटी सॉरी साइंस रख लेते हो आप बीएड करते करने के एकदम बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा आपने क्या पूछा, फिजिकल साइंस मैथ चूज कर लूंगा तो प्रॉब्लम होगी। यस, प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम आपको बता दी है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, 2 साल बाद आप इसमें एलिजिबल होगे। और आप साइंस वाली जॉब अगर 2 साल में निकलती है ना, आपके बीएड करने के बाद इवन 2024 में, तो आप वो चांस खो दोगे कि साइंस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इन नॉलेज आई सजेस्ट यू टेक अप साइंस एंड मैथ्स एज ए कॉम्बिनेशन।
डोंट कंसीडर आपका क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है सर मैं बीए इकोनॉमिक्स मैथ इलेक्टिव हिंदी पढ़ी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। इलेक्टिव जनरल को छोड़ दीजिए, जनरल को छोड़ दिया और ये रहा। सर एमए हिंदी की थी। वेरी गुड। और नेट हिंदी का क्लियर है तो आपका हिंदी का तो बन गया ना, आप हिंदी को मैं नहीं छोड़ोगे। मतलब कि आपने जब कॉलेज फिल करना है, कॉलेज के हेड के ऊपर माइनर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, वो माइनर सब्जेक्ट में आपकी हिंदी शामिल होनी चाहिए। ये भैया ध्यान से सुन लीजिए कृष्णा भारद्वाज जी, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर है वहां पर हिंदी अवेलेबल नहीं है, जहां जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो वहां देख लीजिए आपकी हिंदी, क्योंकि हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट है, लेकिन ये आएगा माइनर में, नुकसान नहीं है, आपने लेनी है माइनर में भी लेनी है, लेकिन बाद में आप एलिजिबल उतने ही हो जितने मेजर के हिसाब से होते हैं, कोई फर्क नहीं रहेगा आपका मेजर माइनर का बीएड करने के बाद। हिंदी को मत छोड़िए, नेट भी है हिंदी में, एमए भी हिंदी है और हिंदी इलेक्टिव भी पड़ी हुई है, तो आप माइनर हिंदी जरूर देख लीजिए, दोबारा बता रहा हूं। अब आपने ये देखना है आपने मैथ्स के साथ हिंदी लीजिए, ये आपका बेस्ट है, क्योंकि मैथ की कॉमन ज्यादा निकलती है, क्योंकि ये पीजीटी की बनती है और जाते सारी आप एलिजिबल हो जाओगे। दैट इज व्हाई आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है मैथ्स एंड हिंदी। इकोनॉमिक्स क्यों नहीं मैंने कहा, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, 2 साल बाद एलिजिबल हो गए। अगर इकोनॉमिक्स ले लिया, मैथ वाली अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे, मैथ वाली अपॉर्चुनिटी। दैट इज व्हाई यू शुड सिलेक्ट मैथ्स एंड हिंदी, ये नहीं छोड़ना। इंग्लिश नहीं लेना, पंजाबी नहीं लेना, इकोनॉमिक्स मेरे हिसाब से मत लो। अगर कोई शौक है, आप दीवाने हो ना, दीवाने हो गए हो आप उसके, तो बात अलग है, दीवाने होते तो आप वो एमए नहीं ना करते। दैट इज व्हाई वो आपका मैथ एंड हिंदी इज बेस्ट आंसर। तो ये थे, नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। एक है, अगर आप चाहते हो कि इतने क्वेश्चन है इनके जवाब देने बड़े डिफिकल्ट रखते रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो अगर आप चाहते हो कि 12 से लेकर क्या करूं, आप ये बताओ कि ऑनलाइन क्लास ले लूं 12 से 1 बजे तक, या 12 से शुरू करके, या रात को कितने बजे, 8-9 बजे, 8 बजे से 9 बजे तक, कुछ ऐसा अगर आप चाहते हो तो। मैं पक्का वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा, मुझे जो है ये असिस्टेंट भी चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट भी, तो अगर पॉसिबल, अगर आप चाहते हो तो ये बताइए, आप लिख दीजिए कि इतने बजे से क्लास ले लीजिए, अगर ज्यादा ग्रुप बनता है तो मैं क्लास ले लूंगा। कॉम्बिनेशन वाइज ऐसे भी हो सकता है कि मैं साइंस वालों को 1 घंटा, किसी दूसरे दिन दूसरी स्ट्रीम का, तीसरे दिन तीसरी का, ऐसे भी कर सकता हूँ। आपका इंग्लिश वीडियो में ये सजेस्ट कर दीजिए, सर इतने बजे क्लास ले लीजिए, हमने क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं तक नहीं है, ये आपके गवर्नमेंट जॉब तक, बाद में पछताते हैं बड़े केसेस। आप हैरान होंगे कि टीचर एजुकेटर को कई बार नहीं पता होता कि बीएड हमने करा दी है, जब वो खुद कई बार एलिजिबल नहीं होते गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो किसी ने पंजाबी नहीं पढ़ी होती मैट्रिकुलेशन तक, तो ये सारा कुछ पता होना चाहिए। अगर आप इन टच रहोगे तो ये गाइड करता रहूंगा, गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी बताऊंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बताऊंगा, रिलेटेड वीडियो के नीचे लिंक दिए गए हैं वो देख सकते हो। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज, थैंक यू।